Hi guys, वेलकम टू एजुकेशन Wave सक्सेस Made Easy. इजी वेलकम टू Botany classes. So, बॉटनी क्लासेज सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपरबर्गस के बारे में उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है एंड देन सिलेक्शन ऑफ सुपरबर्ग्स सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट सुपरबर्ग्स इज अपर बर्ग इज़ अ कंस्ट्रक्टेड बैक्टीरियम जिस uh, जो हमने किससे लिया था कौन से बैक्टीरिया से कंस्ट्रक्ट किया था जो हमारा सीडोमिनास पुटीडा था इसके हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं अब वो जो सारे स्ट्रेन्स होते हैं उनका अपना अपना एक काम होता है अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है ठीक है तो इसी इन्हीं स्ट्रेन्स की हेल्प से हमने जितने भी स्ट्रेन्स थे मान लीजिए मैंने बोला ए बी सी डी इन सभी स्ट्रेन्स की मैंने हेल्प ली और इनसे अपना एक सुपर बग बनाया जिसका स्ट्रेन जी मान लो मैंने इन सबकी हेल्प ली और मैंने एक स्ट्रेन जी बना दिया ठीक है तो ये जो स्ट्रेन जी थी इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई ठीक है तो देखते हैं अब होता क्या है नाउ सुपरबर्ग जो है इज अ कंस्ट्रक्टेड बैक्टीरियम है जो कि हमने स्यूडोमोनास पुटीडा से लिया था दैट कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन फाउंड इन पेट्रोलियम वेस्ट अब होता क्या है जब आप कहीं से भी पेट्रोल निकाल रहे होते हैं सॉरी पेट्रोलियम निकाल रहे होते हैं ठीक है सो so, होता क्या है जो पेट्रोलियम के अंदर जितने भी हमारे जो जैसे रॉ मटेरियल्स आपने बोला पेट्रोलियम निकाला आपने तो उसमें जितनी भी इम्पॉटेंट चीज़ें हैं वो आपने यूज़ कर ली लेकिन जो उसका वेस्ट रह जाता है उसको डिग्रेड होने में उसको मतलब उसका जो डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अब ये क्या करेगा ये पॉल्यूशन कॉज करेगा तो हमने क्या देखा कि ऑलरेडी हमारे इन्वायमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जिसका नाम था जैसे स्यूडोमोनास उस स्यूडोमोनास के बहुत तरीके के स्ट्रेन्स थे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि जो स्ट्रेन ए था वो किसी पर्टिकुलर टाइप के वेस्ट को मान लेते हैं पर्टिकुलर वेस्ट है वन पेट्रोलियम से कितने सारे वेस्ट निकले टू थ्री फोर चार तरीके के कोई वेस्ट निकले होंगे अब वैसे ही स्यूडोमोनास के भी पास बहुत सारे स्ट्रेन्स थे स्ट्रेन ए ने क्या किया बी इस वन वाले को डीग्रेड बहुत इजीली कर दिया क्योंकि इसके पास ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो इसको डीग्रेड करने में हेल्प करता होगा वैसे ही इसी के पास एक स्ट्रेन बी नाम का भी सीडोमनास था अब उस सीडियोमनास ने इस टू वाले वेस्ट को बहुत अच्छे से कर लिया वैसे ही सी और डी तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि इतने सारे स्ट्रेन्स हैं लेकिन वो अलग अलग चीज़ों को हम डीग्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा स्ट्रेन बनाएं जिसमें ये सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं ना जो जो ये वेस्ट को डिग्रेड कर पा रहे मान लो इन चारों को डिग्रेड कर कर सके तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमने की जिसको हमने नाम दिया सुपर बग ठीक है तो बहुत सारे स्ट्रेन से मिलके बना है हमारा ये सुपर बग सीडियो मनास का तो उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं नाउ देखिए इट इज़ अ मल्टी प्लाज्मिड स्ट्रेन तो ये कैसा स्ट्रेन है मल्टी प्लाजमिट स्ट्रेन था क्योंकि उन सारे बैक्टीरियाज़ में जितने भी सीडोमनास के स्ट्रेन थे उनके पास उनका ख़ुद का वो प्लाजमिट था जो उस वेस्ट के ऊपर मान लीजिए कि उस वेस्ट को डिग्रेड कराने में हेल्प कर रहा होगा उसके पास कोई जीन होगा मान लीजिए जो इसको डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा होगा तो हमने उसका वो प्लाजमट ही निकाल लिया ए से उसका प्लाज्मा निकाल लिया बी से उसका प्लाज्मा निकाल लिया दोनों को मिला के एक सी बना लिया सॉरी uh, दोनों को मिला के हमने मान लो ई e बना लिया सी से निकाला डी से भी इस, इसके पास खुद का एक स्ट्रेन था दोनों को मिला के हमने एक एफ बना लिया अब ये दो तो हमें मिल गए अब एफ़ और जी को भी मिला देते हैं इन दोनों को मिला के हमने एक जी बना लिया तो वैसे ही ये जो जी था वो एक मल्टी प्लाजमेड स्ट्रेन था विच वॉज डेवलप्ड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक थी उसकी हेल्प ली और ये मल्टी जो मल्टी मल्टी uh, स्ट्रेन था उसको उसकी फॉर्मेशन की नाउ ये बनाने वाले जो थे उनका नाम था आनंद चक्रवर्ती उन्होंने 1979 में इस बग को डेवलप किया था एंड किस लिए डेवलप किया था टू डिग्रेड ऑयल पोल्यूशन जो भी पेट्रोलियम से जितना भी मतलब वो जो ऑयल पोल्यूशन हो रहा था इनको डिग्रेड करने के लिए यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ठीक है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेके वो चाहते थे कि ये सारे जो भी ऑयल पोल्यूशन है उसको डिग्रेड कर सकें अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे क्या प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते हैं एक था ऑक्टेन ठीक है इसको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास होता है ऑक्ट प्लाजमेट फिर है हमारा नैपथीन्स इसको डिग्रेड करने के लिए एन नाम का एक प्लाजमेट होता है नैप प्लाज्मेट फिर जाइलिन को जेड वाई एल नाम का प्लाज्मिड, ठीक है ऐसे ही हमारे चार तरीके के यहाँ पे एक कैम्फर भी आएगा जो कि इसी का वेस्ट होता है अब इस कैम्फर को भी डीग्रेड करने के लिए हमारे पास सी ए एम नाम का प्लाज्मिड था ठीक है सो so, अब देखेंगे हम इनकी आइसोलेशन कैसे की इन पेरेंट स्ट्रेन्स की जो भी हमें ए बी सी डी चाहिए थे उनकी आइसोलेशन कैसे हुई अब ये जो आनंद चक्रवर्ती थे ही हैड सक्सेडेड इन आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सीडोमनास बटीडा दैट को डिग्रेड ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नाउ ही फाउंड आउट दैट ईच स्ट्रेन हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाजमेट सबके पास एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मेट था फोर टाइप्स ऑफ प्लाज्म आर फाउंड इन बैक्टीरियल स्ट्रेन तो वो चार टाइप के कौन से थे एक था हमारा स्ट्रेन वन जिसके अंदर था सी ए एम प्लाज्मिड जो कि डिग्रेड कर सकता था पेट्रोलियम वेस्ट का कैम्फर जो कैम्फर होता है वो पेट्रोल के अंदर जो उसका पेट्रोलियम का वेस्ट होता है एक तरीके से उसमें ये मिलता है तो इसको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास स्ट्रेन ए था ठीक है जिसके पास सी एम नाम का प्लाजमेड था सिमिलरली स्ट्रेन बी नाम का प्लाजमिट था जिसके पास ऑक्ट स्ट्रेन था जिसके पास ऑक्ट प्लाजमिट था जो कि डिग्रेड कर सकता था तीन चीज़ों को ऑक्टेन हेगेन एंड डेकेन फिर सी नाम का हमारे पास स्ट्रेन आया जिसके पास था एक्स वाई एल प्लाज्मिट जो कि जाइलिन और टोलिन को डिग्रेड कर सकता था फिर लास्ट है हमारा स्ट्रेन डी नैप प्लाज्मिट जिसको हमने बोला एन ए एच जो कि नैपथींस को कर सकता था डिग्रेड अब देखते हैं इन्होंने स्ट्रेन ई e बनाया और इन्होंने स्ट्रेन एफ बनाया ठीक है उन दोनों को मिला के इन्होंने बाद में स्ट्रेन जी बनाया था सो so, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमने अभी देखा कि ए बी सी डी थे अब हम क्या करेंगे स्ट्रेन ए जिसके पास सी एम प्लाजमेट था जिसको पूरा ब्लैक डार्क कर रखा है स्ट्रेन बी जिसको हमने थोड़ा वाइट ही कर रखा है B और A को जब हमने कॉन्जुगेशन किया मतलब इस A का जो प्लाजमेट एक जो स्ट्रैंड होता है कॉन्जुगेशन में क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इसमें प्लाजमिड के दोनों स्ट्रैंड्स हैं लेकिन इसमें हमारे पास मान लो कि जो हमारा मतलब आपने बैक्टीरियल में कॉन्जुगेशन uh, देखी होगी तो इसमें मान लो हमारे पास है भी या नहीं भी बट स्टिल कॉन्जुगेशन जो होती है ब्रिज से हमारा ये एक स्ट्रैंड ना उसके अंदर चला जाता है या तो आप कह सकते हो कि हाफ स्ट्रैंड भी जा सकता है ठीक है तो पॉसिबिलिटी होती है कि कभी हाफ चला जाता है कभी पूरा एक चला जाता है तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पे भी वही हुआ हमारे साथ कॉन्जुगेशन की वजह से जो हमारा यहाँ का जो स्ट्रैंड था यहाँ का जो स्ट्रैंड था वो यहाँ पे चला गया कॉन्जुगेशन हुआ अब वहाँ पे ऑलरेडी जो प्लाज्मिट था वो दोनों के दोनों इंटीग्रेट कर गए तो ये मेरा ए वाला और ये मेरा बी वाला ये मेरा बी वाला ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए इंटीग्रेट हो गए तो ये दोनों के दोनों आपस में जब जुड़ गए तो हमारे पास एक ई e स्ट्रेन आया ठीक है तो इसलिए मैंने बोला कि पहले ये करते हैं फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन होता है स्ट्रेन ई e का अब हमारे पास स्ट्रेन ई e बन जाता है उस वक्त फिर आगे क्या होता है स्ट्रेन एफ़ की फॉर्मेशन करते हैं अब ये सी और डी से बना सिमिलरली उनके साथ भी आई हुआ बस आपको याद क्या रखना है कि चेंजेस कौन से वाले स्ट्रेन में हुए ए बी में आया है तो बी के अंदर चेंजेस हुए हैं बी ए में नहीं गया तो हमें याद रखना है कि स्ट्रेन बी के अंदर हमारा कॉन्जुगेशन देखा गया है स्ट्रेन बी बन गया हमारा अब स्ट्रेन ई ठीक है तो स्ट्रेन ई e कहीं नया नहीं आया उस स्ट्रेन बी में जब वो वाला हिस्सा मिल जाता है हमारे ए वाले का तो वो स्ट्रेन ई e बन जाता है कोई चेंज नहीं हुआ बस वो उसको हमने नाम दे दिया बी को जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो हमने उसको ई e नाम दिया है वैसे ही यहाँ पे हमारा एन ए एच वाला है सी और जेड वाई एल वाला है डी प्लीज़ याद रखना ठीक है आई थिंक मैंने लास्ट की वीडियो में एन ए एच को डी बोला था बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारा जेड वाई एल जो डी वाला स्ट्रेन होता है उसमें चेंजेस हुए वही सिमिलरली हमारा वहाँ से वहाँ से चला गया तो देखिए यहाँ पे भी आ गए हमारे पास एन ए एच जेड वाई एल अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो इनकी कॉन्जिगेशन हुई यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों जो हमारे प्लाजमेट्स हैं वो एक ही में आ गए हैं तो F में ऐसा हुआ तो एन ए एच वाला भी आ गया जेड वाई एल वाला भी आ गया ठीक है तो अब क्या देखेंगे द स्ट्रेन E स्ट्रेन F विल बी मीटिंग टुगेदर टू ट्रांसफ़र कैम ऑक्ड प्लाज्मेट इन टू स्ट्रेन एफ़ अब क्या हुआ देखो ये हमारे पास पहले से ही था इसमें क्या हुआ हमारा दोनों हिस्से मिल जाते हैं दोनों हिस्से हमारे मिल जाते हैं बी वाले भी और ए वाला भी हिस्सा लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो हमारा स्ट्रेन एफ़ बनता है उसमें एन ए एच ये जो मतलब थोड़े थोड़े हिस्से में ऐसे दिखा रखा है एन ए एच और ये जेड वाई एल दोनों के दोनों ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं तो जब इन दोनों में मीटिंग हुई तो हमारा स्ट्रेन एफ़ बनता है जी कुछ समझ आया स्ट्रेन बी बना था स्ट्रेन ई स्ट्रेन डी बना था स्ट्रेन एफ अब स्ट्रेन एफ ही बनेगा हमारा जी ये जो चीज़ें हैं इसको आपको याद रखनी है ठीक है तो मल्टी प्लाज्म कैसे बोला मैंने इसको प्लाजमिट तो एक ही होता है ना इसमें भी प्लाज्मट एक ही है बस वो थोड़ा इंटीग्रेट हो गया उसके साथ जाके लेकिन स्ट्रेन जी जो है वो एंड में जाके मल्टी प्लाज्मट बन गया मतलब बहुत सारे प्लाज्मट्स आ गए कैम ऑक्ट का एक प्लाज्मिड आया है एन का दूसरा वाला प्लाज्मिड और तीसरा वाला हमारा जेड है तो तीन टोटल यहाँ पे प्लाज्मिड्स आए हैं हमारे पास ठीक है तो एन ए एच जेड वाई एल जब कॉन्जुगेशन हुई हमारे एफ में तो वो जी बन गया तो ये है हमारा स्ट्रेन जी जिसमें मल्टीपल मान लेते हैं हम कह सकते हैं कि मल्टी है ये ठीक है मल्टीपल प्लाज्मेट्स इसमें प्रेजेंट है अब इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई कि इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास स्ट्रेन जी है अब इसके पास चारों पॉल्यूटेंट्स से लड़ने की पावर्स हैं तो मैं सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स एक ही कल्चर के अंदर यहाँ पे इसे दे दूँगी और मैं देखूँगी जो स्ट्रेन जी है वो तो उसने अपनी नई कॉलोनी बना ली ठीक है तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है ड्यू टू रिपीटेड मीटिंग जो स्यूडो मनास आप देखो कितनी जल्दी जल्दी मेटिंग कर रहा था कभी ए से बी बी के साथ हुई तो हमारा ई e बना सी डी एफ बना फिर ई एफ जी बना अब इतने सारे स्ट्रेन में से पता कैसे लगाएं कि हमारा कौन सा है मतलब जो हमें निकालना है तो उसके सिलेक्शन के लिए हमने क्या किया फ्रॉम दिस मिक्सचर स्ट्रेन बी कैन बी ईजीली सिलेक्टेड बाई कल्चरिंग द स्ट्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल फोर पॉल्यूटेंट्स तो हमने कैम्फर में नेपथींस में जयलिन में ऑक्टीन में सब में मतलब ऐसे डाल दिया और इसी ने क्या किया सबको ऐसे मतलब डिग्रेड कर दिया होगा तो स्ट्रेन जी जो था वो केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन अ मीडियम ये केपेबल था ग्रो करने के लिए एंड इट विल बी मास कल्चर्ड इन अब हमें मिल गया हमारा सिलेक्ट हो गया स्ट्रेन जी ये रहा जिसने यहाँ पे जो कैम्फर वगैरह था सबको डिग्रेड कर दिया अब इसको मैं बायो रिएक्टर्स में डाल दूँगी बायो रिएक्टर्स क्या करेंगे मतलब वही आपने सूटेबल सब कुछ मतलब उनको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ फेवरेबल कंडीशन दे दिए बायो रिएक्टर्स में अब हमारा मास कल्चरिंग होती है मास कल्चर हो जाएगा वो या फिर कल्चरिंग होती है बायो रिएक्टर्स में तो बस ऐसे हमारा जी बन जाता है तो ये था हमारा सुपरबगस सो so थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग प्लीज़ एड एस ऑन एजुकेशन वेव डॉट इन प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच